आपने अपने घर में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बचाऊंगा। आपने प्रभास की मस्ट अवेटेड मूवी कल की 2898 एडी का ट्रेलर तो देखा ही होगा, जिसके विजुअल पक्का हॉलीवुड मेकर्स के दिलों में भी आग लगाकर रखने वाली है। सुकून इस बात का है कि आदिपुरुष जैसे वीएफएक्स ना होकर हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स है, और ट्रेलर देखकर समझ आ रहा है कि इसकी स्टोरी लाइन जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रेलर में आगे क्या खास है, जिसकी वजह से ये मूवी भारत की बिगेस्ट मूवी बन सकती है। जब ट्रेलर की शुरुआत होती है तो इसमें दुनिया के सबसे पहले शहर की बात हो रही होती है। अब अगर आपने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है तो आपको मालूम ही होगा कि दुनिया का पहला शहर कौन सा है। तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, काशी यार। तो कल्कि के ट्रेलर में भी सबसे पहले काशी के बारे में ही बात कही है। यही हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो काशी को ही दुनिया का आखिरी शहर कहता है, और कहते हैं इसके ऊपर पानी है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मुई के अंदर दुनिया एक ऐसे युग में पहुँच चुका है जब लोगों को पानी की भी मशक्कत पड़ रही है। फिर एक बूढ़ा कहता है कि पूरी दुनिया से सब कुछ छीन लोगे तब ये सब कुछ तो होगा ही। मतलब सीधी सी बात है, इंसानों को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, जिन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है कि अब उन्हें पछताना पड़ रहा है। शानदार विजुअल और सीजीआई कैरेक्टर के बीच गौर करने वाली बात यह है, यहाँ किसी भगवान की बात हो रही है जिसे उसके सोल्जर सुप्रीम अस्किन कहकर बुला रहे हैं। आगे सीन में वही बच्चा अश्वत्थामा से कहता हुआ नजर आता है कि पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो। फिर अपनी बोल्ड आवाज में अश्वत्थामा रक्षा करने वाले किसी अकेले इंसान की बात करता है, और उसके हाथ में वही मणि होती है जो श्री कृष्ण भगवान के दिव्य श्राप के दौरान अपने मस्तक से निकाल दी थी। आगे दो और करेक्टर 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो शक्ति वापस आ गई है जिसे 6000 साल पहले देखा गया था, और यहीं पर एक बूढ़ा इंसान रोशनी आने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर नहीं है कि ये पावर कौन सी है, मतलब अच्छी है या बुरी है। ट्रेलर में वैसे तो किसी पौराणिक चिरंजीव को नहीं दिखाया गया है, पर इसमें अश्वत्थामा को जबरदस्त प्लेस दिया गया है, और आगे के ट्रेलर में हमें दीपिका का कैरेक्टर भी दिखाई देता है जिससे अश्वत्थामा बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। और एक बात जो यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है वो है भैरवा, यानी कि प्रभास के इस मूवी में भगवान ना होना मतलब कोई और है जो प्रभास से भी सुप्रीम है, और वो भी जन्म लेगा, यानी कि इस मूवी के और भी पार्ट्स आ सकते हैं। और एक बात, अश्वत्थामा ने अपनी मणि प्राप्त कर ली है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और अब होती है प्रभास की एंट्री जो अपनी सुपर कार बुद्धि से बात करते हुए किसी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कर रहा है, और वो भी 1 मिलियन यूनिट्स की बात हो रही है। और एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें ब्रह्मानंदम की एक छोटी झलक दिखाई दिया, यानी इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी दिख सकती है। और रही बात प्रभास की तो वो खुद के लिए जीने वाला व्यक्ति के तौर पर दिखाई देने वाला है, जिसका मानना है कि दुनिया में एक ही साइट होती है और वो है खुद की साइट। यहाँ मुई का विलन का खास आदमी भैरवा से कहता है कि उसे वो लड़की हर हाल में चाहिए, और मुझे लगता है कि वो लड़की दीपिका पादुकोण ही है जिसके गर्भ में पल रहे भगवान को ये बुरी शक्तियाँ खत्म करना चाहती है। भैरवा के अलावा उस लड़की को कोई नहीं ला सकता, और वो इसलिए श्योर है कि न तो वो कोई फाइट हारा है और न ही ये फाइट हारेगा। और यार ये तो हमारी बात है, और हो सकता है मुई में इससे उल्टा देखने को मिल जाए। और यहाँ पर अश्वत्थामा बूढ़ा हो गया है, पर ताकत इतनी है कि सुपर कार बुज्जी को भी एक लाश से रोक दिया। लड़ाई बहुत ही भीषण होगी, और खुद दीपिका को नहीं मालूम है जिसने अभी तक अपनी पहली सांस नहीं ली है वो इनकी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है। आखिरकार ट्रेलर का अंत आ ही जाता है, और यही एक नई युग की शुरुआत है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा कहता है मुई का मेन विलन जो कोई और नहीं कमल हसन सर है। क्या जबरदस्त रोल है यार कमल हसन सर का। तो यार अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और कुछ सस्पेंस रखते हुए मुई का वेट करते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब करी और बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यार मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।